क्या पहले गियर में उठा रहे हो, आप दूसरे में भी उठा सकते हो, बट रेस के ऊपर ना आपको काम करना पड़ेगा अपनी, उसको बहुत ही ज्यादा बंद होगी ना, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुड़ जाएगी भाई। देखो ऐसा टर्न करेंगे, ये देखो हल्की सी रेस देंगे, ये देखो हल्की हल्की रेस देके मुड़ गई, ये देखो दूसरा और ये चौथा, तो भाई चौथा गियर लग गया। अब हम मोड़ने की कोशिश करते हैं, मुड़ती है कि नहीं मुड़ती हमारी बाइक, ये हमने किया। हेलो भाई, मैं हूँ अजय और आज हम बात करेंगे कि हमें मोड़ पर कौन से गियर में बाइक को रखना चाहिए, कौन से गियर में बाइक को मोड़ना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। भाई मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें बहुत से कमेंट आए थे भाइयों के कि भाई हमें बता दो कि कौन से मतलब गियर पे गाड़ी को मोड़ते हैं, कैसे मोड़ते हैं। तो भाई आज हम इन्हीं सब चीज़ों को कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में, तो भाई बने रहना इस वीडियो में। और जो भाई नए हैं इस वीडियो पर, तो भाई अगर आप बाइक लर्निंग करना चाहते हो तो मैंने बहुत सी पुरानी वीडियो बना रखी हैं, आप जाके उनको चेक कर सकते हो चैनल पे। और भाई बेसिक ए टू जेड चीज़ें हमने उस चीज़ में बताई है। और जिस भाई को इस वीडियो में या अगली वीडियो में जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट कर देना, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम मोड़ों पर कौन से गियर में बाइक को मोड़ सकते हैं, कौन से गियर में नहीं मोड़ना चाहिए, कौन से गियर में मोड़ने से बाइक बंद हो सकती है। तो भाई बेसिक से शुरू करते हैं कि हमें कौन से गियर में बाइक को रखना चाहिए। तो पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, इंडिकेटर हम चेक करेंगे, न्यूटन है, स्टैंड भाई नीचे हो रखा है तो हम उसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, उसकी लाइट चलेगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी बाइक न्यूटन है तो हम स्टार्ट करेंगे बाइक, भाई हमने स्टार्ट कर ली, उसके बाद हम नॉर्मल क्लच दबाएंगे, उसके बाद गियर है भाई हमारे, गियर को पीछे डाला, पहला गियर डाला हमने, उसके बाद धीरे 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 क्लच को छोड़ेंगे। ठीक है भाई, देखो धीरे 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 क्लच को छोड़ना शुरू किया हमने, बाइक आगे बढ़ने लगी। अब भाई हमें मोड़ना है, मैं दूसरे गियर में हूँ, तो देखो भाई अगर इतनी लंबी रोड है आपके पास तो आप दूसरे गियर में मोड़ सकते हो। देखो मोड़ी ना भाई मैंने, देखो दूसरे गियर में मुड़ी, ये हमने तीसरा गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ा और ये तीसरा गियर। अब भाई मैं तीसरे गियर में भी मोड़ सकता हूँ, अगर जगह ज़्यादा है, जैसे इतनी बड़ी जगह है आपके पास तो आप तीसरे गियर में भी मोड़ सकते हो। देखो स्पीड कम की, पीछे देखो कुछ नहीं यार, ये देखो धीरे 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 क्लच, आधा क्लच दबा के ये मोड़ लिया हमने, कोई दिक्कत आई भाई। अब अगर हम खड़ी करके मोड़ेंगे ना बाइक को, तो देखो तीसरा गियर है ना भाई, अब मैंने रोकी, अब हम पीछे देखेंगे कुछ आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, अब हम मोड़ेंगे ना, ये देखो भाई बंद हो गई। क्यों बंद हुई, क्योंकि हम तीसरे गियर में थे भाई, कौन से गियर में थे, तीसरे। ऐसी गलती हमने नहीं करनी, अगर हम बाइक को चलते चलते मोड़ते हैं तो हमें पहले या दूसरे गियर में ही मोड़ना चाहिए, और मेरी मानो तो हमें पहले गियर में ही मोड़ना चाहिए। देखो मैं क्लच दबाऊंगा, सॉरी माफ़ करना, बाइक स्टार्ट की मैंने, तीसरा गियर है, देखो बंद होगी ना, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा तो मुड़ जाएगी भाई। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं मुड़ेगी, देखो तीन किया, ये देखो फिर भी बंद होने लगी, बहुत ज़्यादा इसको रेस देनी पड़ेगी भाई, आपने ये गलती कभी नहीं करनी है। हमने क्या करना है, हमेशा जब भी हम चलते हुए आ रहे हैं, ये किया हमने, न्यूटन है गाड़ी, देखो उसके बाद हमने हमेशा पहला गियर में लाना है बाइक को, ये पहला गियर आया उसका, देखो भाई कोई मेहनत नहीं करनी, आधा क्लच छोड़ना है, हल्की सी रेस देनी है ऐसे, देखो और ये मुड़ जाएगी, देखो कितनी इजीली मुड़ी, कोई दिक्कत आई नहीं आई, सेम एक है, ये तीसरा गियर है भाई देखो हमारा, ठीक है हमारी बाइक पे तीसरा गियर है। अब हमें मोड़ना है तो हम क्या करेंगे, बाइक को स्लो करेंगे, क्लच दबाया हमने, गियर हमने डाउन कर लिए, ठीक है भाई, ये देखो दो गियर हमने डाउन कर लिए। अब उसके बाद पहले गियर में हमारी गाड़ी, अब हम हल्का सा टर्न करेंगे, ये देखो हल्की सी रेस देंगे, ये देखो हल्की हल्की रेस देके मुड़ गई, ये देखो। ये भाई डिपेंड होता है आपके ऊपर, अगर आप बाइक को रोक के मोड़ रहे हो, मतलब जैसे मैंने बाइक को पहले रोका उसके बाद मैंने टर्न काटा, तो फिर भाई आप इजीली कर सकते हो, जैसे भाई अभी मेरी बाइक मोशन में है, ठीक है चलती जा रही है, और अगर मैं ऐसे में मोड़ना चाहूँ ना मुड़ जाएगी, देखो पीछे से देखो भाई कुछ नहीं आ रहा, मैंने देख लिया बड़ी रोड है, अगर आप देखो ये देखो ये देखो दूसरा गियर था भाई, ये देखो बिना क्लच दबाए मुड़ गई, देखा आपने। बट अगर आप रोक रहे हो ना बाइक को भाई,
जैसे हम ये हैं, मेरी बाइक इजीली मुड़ गई थी ना, अब हम रोक रहे हैं। ये देखो रोके हमने बाइक को, पूरा रोक लिया हम दूसरे गियर में, ठीक है भाई। अब रोकने के बाद अगर मैं मोड़ने की कोशिश करूँगा ना, ये देखो हो गई ना, क्यों बंद हुई? क्योंकि भाई गियर दूसरा है, उसको आपको पता होगा कि बाइक को उठाने के लिए जितना कम या छोटा गियर रहेगा वही बेस्ट होता है, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्लच दबाया भाई, ऐसे नहीं होता, स्टार्ट किया हमने, अब हम मान लो चौथा गियर में मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम चौथा गियर डालते हैं, एक दो, ये तीसरा और ये चौथा, तो भाई चौथा गियर लग गया। अब हम मोड़ने की कोशिश करते हैं, मुड़ती है कि नहीं मुड़ती हमारी बाइक। ये हमने किया, बंद होगी, देखो नहीं मुड़ेगी भाई, क्योंकि अगर आप खड़े खड़े हो तो आपको जितना छोटा गियर हो सके उतना देना है, ताकि बाइक अपनी पूरी जान लगा सके। जितना छोटा गियर रहेगा बाइक अपनी पूरी जान लगा सकेगी। अब हम दोबारा तीसरा गियर डालते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा तीसरा गियर है, हमने मोड़ा, ये देखो नहीं मुड़ी, ठीक है भाई। ये हमारा तीसरे गियर में भी नहीं मुड़ी हमसे भाई, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जान चाहिए होती। हम दूसरे में मोड़ के देखते हैं भाई, ये दूसरा गियर डाला हमने, मतलब हमने गियर और कम कर दिया दूसरा, इसमें भाई आसानी से मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ेगी मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो भाई दूसरा गियर स्पीड को कैच कर लेता है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक मेहनत करनी पड़ेगी, वो है ये रेस वाला सेक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप जैसे नॉर्मल पहले गियर पर मोड़ते हो ना, ऐसे में मोड़ोगे ना भाई, नहीं मुड़ेगी। देखो जैसे हम पहले गियर के लिए कितनी रेस देते हैं, इतनी हल्की है ना, ये देखो बंद। क्यों बंद हुई? क्योंकि हमने ये रेस थी ना भाई, ये बहुत कम दी, ये गलती नहीं करनी है। अगर हम ज़्यादा गियर है ना हमारी बाइक में, ज़्यादा गियर हैं, तो हमें हमेशा ज़्यादा रेस देनी पड़ेगी, जिससे हम बाइक को उठा सके, बाइक को ज़्यादा पावर मिल सके, आप समझ रहे हो। अब देखो मैं एक्स्ट्रा रेस दूंगा, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा मतलब ये पावर दूंगा, बाइक देखें तो उठती है कि नहीं। ये हमने स्टार्ट की, ठीक है, ये न्यूटन में भी, ये हमने एक गियर डाला, ये हमने दूसरा गियर डाल दिया भाई, ठीक है, ये दो गियर डल गए हमारी बाइक में। अब देखो, अब मैं रेस ज़्यादा दूंगा तो बाइक मुड़ जाएगी, देखो ये दिया हमने, कलर छोड़ दिया, ये देखो मुड़ी ना भाई, कोई दिक्कत आई मुझे नहीं। अब हम अगर देखो दूसरा है ना, तीसरा चौथा गियर डाल दिया ना भाई मैंने, अब इसमें मुड़ूंगा ना मैं, मुड़ जाएगी क्योंकि बाइक चल रही है, देखो भाई ये देखो थोड़ा झटका दिया पर बाइक चल रही है, ये है। लेकिन अगर मैं इस बाइक को रोक दूं यहाँ पे, ये देखो सॉरी भाई, ये बाइक को मैंने रोक दिया, ठीक है। अब इसमें गियर चौथा ही लगा हुआ है, देखो चौथा ही गियर लगा हुआ है, ठीक है भाई। अब मैं मोड़ूंगा ना, नहीं मुड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमने गियर चौथा डाला है, देखो। इवन बाइक भाई, बाइक ना आगे भी नहीं उड़ती है, मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, अगर आप सीधा चलाना चाहोगे ना चौथे गियर में, वो भी नहीं उठेगी, पर सीधा कहीं ना कहीं तक उड़ जाएगी। अगर आप ये यही रेस को जितना ज़्यादा दोगे ना भाई, आप उठाना सीख जाओगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पहले गियर में उठा रहे हो, आप दूसरे में भी उठा सकते हो, बट रेस के ऊपर ना आपको काम करना पड़ेगा अपनी, उसको बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे देखो भाई चौथे गियर में है, अब हम नॉर्मल बाइक के लिए कितनी रेस देते हैं, इतनी है ना, हल्की सी। अब मैं इसमें करूँगा ना, देखो एक सेंटीमीटर भी नहीं गई है यार ये, क्यों नहीं गई? क्योंकि भाई उसको स्पीड नहीं मिली। अब हम थोड़ा सा हॉर रेस करके डाल के देखते हैं, मतलब थोड़ी से हॉर एक्स्ट्रा करके देखते हैं। ये हमने न्यूटन की, हमने बाइक स्टार्ट की, एक दो तीन चार, चार गियर लग गए हमारे। अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा हॉर करके देखते हैं, नहीं नहीं इसमें भी नहीं उठी। पता मालूम है क्यों नहीं उठी? क्योंकि हम रेस को चौथे गियर के हिसाब से पावर नहीं दे रहे हैं। हमें पता है ना कि हमें बाइक को, अभी बाइक को ज़्यादा जान की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा ताकत चाहिए बाइक को, है ना, ज़्यादा ताकत चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइक को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी ताकि वो भार उठा सके। कम गियर में क्या होता है भाई, हम कम रेस देते हैं क्योंकि गियर ताकत ज़्यादा लगाता है, चौथा गियर ताकत कम लगाता है, इसकी वजह से हमें ताकत देनी पड़ेगी, और ये बाइक की ताकत है, ये समझ लो आप। अब हम ज़्यादा ताकत देते हैं, कमजोरी में है बाइक, मतलब चौथा गियर है, और ज़्यादा ताकत दे के देखते हैं हमें क्या होता है, ठीक है। ये हम भाई पहले न्यूटन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने बाइक स्टार्ट की, हम अब गियर डालते हैं चार, देखो भाई एक दो तीन चार, ठीक है, आपके सामने देखो चार लग गए गियर। अब देखो हम इसको कम नहीं देंगे, हम इसको ज़्यादा ताकत देंगे, कमज़ोर है क्योंकि चौथा गियर है,
अब ताकत ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, देखो देखो आवाज़ देखो बाइक की कितनी ज़्यादा दी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो चल गई, देखा आपने। बस भाई यही करना है, अब हमने मोड़नी है, मैं वही गलती नहीं करूँगा जैसे हम भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट की आ गया है, हमने बाइक को स्टार्ट करते हुए अब हम रोकेंगे, हमने पहले गियर में डाल लिया बाइक को। अगर आपको भाई नहीं पता लग रहा कि आप कौन से गियर में हो तो आप न्यूटन कर दो, देखो न्यूटन की बत्ती चलेगी। उसके बाद सही तरीका है बाइक को गियर में पता करने का, पहला गियर डालो, हल्का सा हैंडल मोड़ो, पीछे देखो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद धीरे 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 ये मोड़ने लग जाते, देखो कोई दिक्कत आई। बस भाई यही है जो भाई पूछ रहे थे कि गियर में कैसे मोड़ना है बाइक को, उसके लिए इतना ही है कि आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे मोड़ रहे हो, ठीक है। और जितनी अगर देखो दूसरा गियर है भाई मेरा, ठीक है, अगर मैं आप दूसरे गियर पे मोड़ना चाहूँगा ना, नहीं मुड़ेगी बाइक मेरी। क्यों नहीं मुड़ेगी, क्योंकि भाई इसको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा ताकत कहाँ से मिलेगी, अब हम देते हैं एक ये दूसरा, ठीक है भाई, दूसरा गियर लग गया उस पर, अब हम मोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो ताकत पूरी देनी है, ये ताकत है, ये ताकत है, इसको पूरा देना है, ठीक है भाई, इसको हम पूरा देंगे। देखो दूसरा ताकत पूरी दी, देखो ताकत दी पूरी, देखो पूरी ताकत दी, मुड़ गई, ये देखो चलने लगी ना ये। बस भाई हमने यही काम करना है, जो हमारी ये ताकत है ना इस पर फोकस रखना है भाई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हमने गियर डाउन किए। हमेशा अगर आप रुक रहे हो, मेरी यही बात मानना, अगर आप रुक रहे हो तो भाई गियर को पूरा डाउन करना, उसके बाद पहला गियर डाल के हल्का सा मोशन बनाना और मोड़ देना। मोड़ने के लिए आप भाई दूसरे में ही मोड़ सकते हो, देखो मैं आपको मोड़ के दिखाता हूँ, ये गया ये दूसरा, और तीसरे चौथे में मोड़ सकते हो, बट एक्स्ट्रा रेस देनी है। देखो मोड़ चौथे में, देखो धीरे भी है ना, रोड देखिए खाली है, देखो देखो, बट ये देखो मैंने ये कितनी दी रेस, कितनी सारी दी मैंने। बस भाई आप एक मेथड आप ये समझ लो कि भाई जो गियर है अगर वो छोटा होगा तो उसको पावर कम लगेगी, और अगर गियर बड़ा है, मतलब मान लो दूसरा तीसरा चौथा गियर है, तो उसको पावर ज़्यादा लगेगी। अभी आप खुद ट्राई करना भाई, पहले गियर में मोड़ के देखना, उसके बाद मुड़ जाएगी। जब आपको लगेगा ना भाई आपकी गाड़ी में गियर दूसरा या तीसरा है, तो आपको खुद ही मेंटली तैयार होना है कि आपको ये पावर उसको ज़्यादा देनी है ताकि वो मुड़ सके। उम्मीद है भाई आपको वीडियो में सब समझ आया होगा जो जो मैंने आपको बताया। अगर कुछ भी डाउट है आपका वीडियो को लेके, तो भाई एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश पूरा करूँगा भाई। मैं अजय मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहना। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। तो भाई मैं अजय मिलूँगा आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर भाई।